Hi guys, in this video I'm gonna tell you how to add promotional codes in your Google Ads account. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे promotional code enter कर सकते हैं और उसे activate कर सकते हैं अपने Google AdWords account में. It is not necessary कि आपको ये code जो है Google AdWords ही भेजे email के through. You can receive this code through email from Google Analytics also in other Google partners. So let's do this. So guys, firstly, I'm gonna go to my email. I wanna show you guys the email I received. Now you can see right here what's written is reach more customers with a $70 ad credit. Now this email is from Google Analytics. Now what Google Ads says that we can get promotional codes from Google Ads itself directly, or their partners can also send us these promotional codes for Google Ads. So guys, आपको सबसे पहले तो मैं email दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की इस तरह की आपको email आती है. ऊपर लिखा है जी $70 का आपको ad credit मिलेगा, आपको cashback मिलेगा आपके अपने Google Ads के account में. अब ज़रूरी नहीं है ये Google AdWords, Google Ads की तरफ से directly आपको email है, ये Google Analytics या कोई भी Google product जो या उनके जो partners हैं Google Ads के किसी भी तरफ से ये ईमेल आ सकती है आपको. नाउ यू मे गेट दिस ईमेल अबाउट ट्वाइस अ ईयर और थ्री टाइम्स और फोर टाइम्स. यू जस्ट मेक यूज ऑफ दिस प्रमोशनल कोड, इट्स सो गुड. तो जब भी आपको ये कोड मिले, बड़ी अच्छी प्रमोशन है आपको फ्री में, जो आप इन्वेस्ट करते हो वो आपको वापस मिल जाते हैं और उसे आप दोबारा स्पेंड कर सकते हो. विड्रॉ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन स्पेंड कर सकते हो. नाउ गाइस, इफ आई स्क्रॉल डाउन एंड राइट हियर यू कैन सी $70 इन दैट ब्लू बॉक्स. And you can see a code in front of this blue box that is DCX, JD and blah blah. Now, you know what guys, I was not using my Google Ads account for several months and they sent me this promotional code, this promotional offer to make me reactivate my Google Ads account and reuse my account. So they're gonna give me $70 if I spend $70. So guys, मैं अपना Google Ads account जो है वो काफ़ी महीनों से, काफ़ी मंथ से मैं यूज़ नहीं कर रहा था. तो इन्होंने मुझे ये promotional offer इसलिए दी है कि मैं अपना Google account obviously कि एक obviously जब भी investors जाते हैं तो ये offers देते हैं ताकि वो वापस आ जाएँ और advertisement करें. And they're giving you a brilliant ऑफ़र के $70 आप स्पेंड करेंगे और आपको 70 मिलेंगे. तो आपको $70 लेने के लिए $70 पहले स्पेंड भी करने होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड गाइस, नेवर थिंक दैट दिस प्रमोशनल कोड इज फॉर एवर, देयर इज ऑलवेज एक्सपायरेशन डेट, इट्स गोना एक्सपायर. सो आई एम गोना स्क्रॉल डाउन एंड राइट हियर very small, the most important details, the terms and conditions are written here, so you guys mostly ignore such text, but this contains the information regarding this promotional code's life. Now here, as you can see, it's written it's gonna expire on 31st December, so I gotta use it before 31st December. So guys, main scroll down kiya bhi niche aur yahan pe ये जो छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसे इन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए. इसके अंदर लिखी हुई है एक्सपायरेशन डेट इस प्रमोशनल कोड की. ये ऑफर जो है अनलिमिटेड नहीं है या कभी ख़त्म नहीं होने वाली, इसकी एक्सपायरेशन डेट है एक. अगर वो डेट गुजर गई तो ये कोड बेकार हो जाएगा, और अगर आपको इसका फ्रूट लेना है तो इस डेट से पहले पहले आपने या इसको यूज़ कर लेना है, स्पेंड करनी है इतनी अमाउंट और इस कोड को एक्टिवेट भी करना है. तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 31st December इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है. ओके, सो नाउ आई एम गोना गो टू अदर टैब, आई एम गोना गो टू माय गूगल एड्स अकाउंट. सो गाइस, हियर आई एम इन माय गूगल एड्स अकाउंट, आई एम गोना गो टू टूल्स एंड सेटिंग्स. तो अभी मैं टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाऊंगा एंड आफ्टर दैट आई एम गोना क्लिक ऑन बिलिंग सेटिंग्स. उसके बाद मैं बिलिंग सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा एंड आफ्टर दैट आई एम गोना गो टू लेफ्ट साइड. There is a menu, I'm gonna go click on promotional codes. उसके बाद मैं left side पे जो menu है उस पर promotional codes पे click करूँगा. And here we are promotional codes page, you can see in front of me. And right here I'm gonna type in, I'm gonna enter the promotional code. तो ये promotional code page आ गया हमारे सामने और यहाँ पर लिखा हुआ है add a promotional code. और यहाँ पर सामने जो है आपको box दिख रहा है जहाँ पर मैं code enter कर सकता हूँ. So now I'm gonna go to my email and copy
the promotional code. Abhi main apne email mein jaake wo copy karunga. And now I'm gonna come back to my Google Ads account and paste it here. Uske baad main apne Google Ads mein isse paste kar raha hu yahan pe. And then I'm gonna click on apply. Abhi main apply pe click karunga. Oops, what you entered isn't valid. Well, so what is wrong here? The code has not expired yet. We know the last date is 31st December. So what's the problem? तो यहाँ लिखा आ रहा है भाई ये कोड रॉन्ग है, गलत है. अभी क्यों गलत है? 31st दिसंबर अभी तक आई नहीं है. इस प्रमोशनल कोड को विदाउट डैशेज मुझे लिखना होगा. दैट्स द इशू. जब आप ऐसा एरर एनकाउंटर हो, आप फेस करो, तो यू जस्ट टाइप इन दिस प्रमोशनल कोड विदाउट डैशेज. तो विदाउट डैशेज आपने इसको टाइप करना है. सो आई एम गोना टाइप इन दीज कोड्स एज आई एम शोइंग यू इन नोटपैड. नॉट दिस वे. आई एम गोना टाइप इन without these dashes together, this promotional code together. तो मैं इस तरीके से dashes नहीं होंगी, हटा दूंगा ये inverted commas के बीच में जो आपको दिख रहा है. इसको मैं copy paste अब कर देता हूँ इसमें और मैं apply करता हूँ. And let me see what happens. Woo! So guys, promotional code has been applied and now you can see in front of me active promotion. So it is activated and what's written is get up to rupees 10,867 credit for what you spend on Google Ads during 31 days. So in front of you, आपके सामने आपको दिख रहा है भाई promotional code लग गया है, activate हो गया, apply हो गया. और आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 10,867 rupees आपको credit मिलेगा maximum अगर आप 31 days के अंदर इतना spend करते हैं. तो आपको 31 days के अंदर इतना spend करना होगा. So you're gonna get this amount if you spend this amount within 31 days. So to aapko itni amount spend karni hogi 31 days ke andar. Now guys, you're seeing PKR. This is Pakistan rupees. I'm from Pakistan. So since I've chosen my account's currency to be Pakistani currency, so it's showing me in Pakistan rupees. The promotional code was in dollars, $70. Now in my currency, $70 is currently equivalent to 10,867 rupees. So they're gonna give me $70 if I spend $70, or we can say in my currency it is 10,867 rupees. So guys, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने अपने अकाउंट की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में रखी है PKR में, so ये पाकिस्तानी रुपीज़ में मुझे शो कर रहा है. 10,867 रुपीज़ के इक्विवेलेंट बन रहे हैं ये $70. इन्होंने मुझे $70 देने हैं और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 10,867 रुपीज़ के इक्वल होते हैं. अब ये 31 डेज़ के अंदर मैं स्पेंड करूँगा तो मुझे इतने मिल जाएंगे. अब मैं अगर इससे ज़्यादा भी स्पेंड करता हूँ तो भी मुझे इतने ही मिलना है. ये मैक्सिमम $70 का डिस्काउंट है. 10,867 रुपीज़ से मुझे ज़्यादा नहीं मिलेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इट्स रिटन अमाउंट यू अर्न सो फार is being shown. You can see a bar and it's already showing me 14 rupees because I'm already running 5 different campaigns, 5 ads. So 14 rupees have just been added here. It's gonna keep on updating. There's gonna come out a blue line which is gonna fill up this small bar and it is gonna reach that 10,867 rupees if I spend that much amount in within 31 days. And they're gonna give me this amount after 31 days. Firstly, they're gonna count the amount I spend in 31 days. And after these 31 days, they're gonna give me the amount I've spent, which is up to maximum $70 or 10,867, not more than that. तो गाइज आपको सामने दिख रहा है कि यार 14 रुपये दिखा रहा है, 14 रुपीज़. ये अभी मैंने लगाया कोड और अभी आपके सामने ही आ गया. यहाँ पर लिखा भी हुआ है अपडेटेड 0 मिनट्स अगो. तो ये अपडेट करता रहता है. अगर मैं अभी से रिफ्रेश करूँगा तो ये अपडेट हो गया, कोई और करेंसी ये चेंज आ जाएगा. इसमें 14 रुपीज़ नहीं रहेगा क्योंकि मैंने इस वक्त 5 कैंपेन्स ऑलरेडी चल रही हैं मेरी, एड्स मैंने लगाए हुए हैं. तो ऑब्वियसली मनी स्पेंड हो रही है और ये पैसे अपडेट होते रहेंगे. तो मुझे 31 डेज़ के अंदर ये अमाउंट स्पेंड करना है और 31 डेज़ के अंदर जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ ये काउंट करेगा. मुझे कैशबैक इंस्टेंटली नहीं मिल जाएगा, काउंट करेगा. और आफ्टर 31 डेज़, उसके बाद मुझे 31 डेज़ के बाद ये पैसे मिलेंगे जो कि मैक्सिमम 10,867 को क्रॉस नहीं कर सकता या $70 को क्रॉस नहीं कर सकता, इतने ही मिलेंगे. सो दिस ऑफर एक्सपायर्स ऑन 30th December. यू कैन सी दैट्स रिटन. And if I just refresh this page, let me reload this page. So you can see
the 14 rupees have changed to 27 rupees. So it's going to keep on updating this way. तो गाइज अभी मैंने रीलोड किया, रिफ्रेश किया पेज को और आपको दिख रहा है कि 27 रुपीस हो गए हैं, 14 रुपीस की जगह यहाँ 27 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट करता रहेगा, आप बार बार इस पेज को विजिट करते रहोगे और आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, आप स्पेंड करते जा रहे हो, तो यहाँ पे ये अपडेट करता रहेगा। तो गाइज मैं स्क्रोल डाउन किया और आपको दिख रहा है ऐड प्रमोशनल कोड का ये बॉक्स जो है अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मुझे अभी एक और ईमेल आ जाती है, उसमें भी कोई कोड होता है, तो मैं उसको भी इमीडिएटली यहाँ पर एंटर करके उसको भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको अगर 4-5 ईमेल आ जाती हैं, आप इसमें बार बार इसका मतलब है अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि वो आपको बार बार प्रमोशनल ऑफर्स देते रहे। होप दिस ट्यूटोरियल वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, एंड अगर आपको देखना है हाउ टू ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू योर गूगल एड्स अकाउंट, आई हैव मेड दैट ट्यूटोरियल आल्सो, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द एंड स्क्रीन्स, आई हैव गिवन द लिंक इन एंड स्क्रीन्स। अगर आपको देखना है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप कैसे ऐड कर सकते हैं पेमेंट के लिए गूगल एड्स अकाउंट में, तो एंड स्क्रीन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड इफ़ यू लाइक दिट जस्ट प्रेस द थम्स अप बटन एंड डू सब्सक्राइब।